हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद एम एंड हियर आई एम बैक विद अदर वीडियो ऑन कॉस्टिंग एमसीक्यूज एंड ट्रू एंड फॉल्स डिस्कस करेंगे तो लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यूज को डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था आज हम इसमें कॉस्टिंग के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे कि आपने जो भी एमसीक्यूज लिखे होंगे उसको एक बार आप इसके साथ टैली करके देखें आपको आइडिया आ जाएगा आपको एमसीक्यूज में कितने मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे कुछ मार्किंग्स है तो किसी स्टूडेंट के बेसिस पे मैंने पेपर लिया था इसके लिए यहां पे मार्किंग है हम प्रॉपरली आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे देखते फर्स्ट पॉइंट लुब्रिकेंट्स आर डायरेक्ट मटेरियल्स तो क्वेश्चन नंबर वन जो आया था टूवेल्व फॉल्स के ऊपर लुब्रिकेंट्स जो है वो डायरेक्ट मटेरियल्स का पार्ट है तो बिल्कुल गलत ये आंसर आपका फॉल्स होगा लुब्रिकेंट्स डायरेक्ट मटेरियल्स का पार्ट जो है वो नहीं है नेक्स्ट पैकिंग चार्जेस आर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तो पैकिंग चार्जेस जो होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है बिल्कुल सही तो इसका राइट right आंसर आ जाएगा ट्रू प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स छोड़ आता है प्राइम कॉस्ट में क्या आता है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस एंड योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ये आपका आंसर बन जाएगा फॉल्स काफी सिंपल था ये ट्रू ऑल फॉल्स नेक्स्ट कैरेज ऑन मटीरियल इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो कैरेज ऑन मटेरियल जो है इंक्रीज होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल बिल्कुल सही डायरेक्ट मटेरियल में भी आता है ये पॉइंट ट्रू लेबर टर्न ओवर में बी कॉस्ट ड्यू टू लो वेजेस ऑब्वियसली लेबर टर्न मतलब लेबर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से लेबर छोड़ के जाएगा अगर उसको कम वेजेस मिलेंगे तो एब्सोलूटली राइट right है ये भी ट्रू होगा टाइम रेट प्लान मोटिवेट्स द एफिशिएंट वर्कर्स तो टाइम रेट प्लान से एफिशिएंट वर्कर्स मोटिवेट होते हैं बिल्कुल गलत फॉल्स है इसका आंसर फैक्ट्री कॉस्ट इंक्लूड्स प्राइम कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड्स तो फैक्ट्री कॉस्ट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है फैक्ट्री कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट भी इंक्लूड होता है लेकिन ऑफिस ओवरहेड्स इंक्लूड नहीं होता है इसके लिए इसका आंसर आएगा फॉल्स नेक्स्ट इज नंबर एट इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज डन एट मार्केट वैल्यू बिल्कुल गलत कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस का कंसेप्ट होता है नेक्स्ट इज नंबर नाइन कैरेज आउटवर्ड्स शुड बी कंसिडर एज सेलिंग ओवर हेड्स बिल्कुल सही ट्रू होगा इसका एंसर कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर हेड्स नो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड्स इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवर हेड्स ये होगा फॉल्स इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट इज प्योरली फाइनेंशियल इन नेचर बिल्कुल सही ये रिकनसीलेशन में पॉइंट आता है इट्स एन इनकम एंड इट इज प्योरली फाइनेंशियल आइटम इग्नोर्ड इन कॉस्ट शीट टाइम वेज इज गारंटेड अंडर रोवन प्रीमियम प्लान बिल्कुल सही हेल्से में आ, वो गारंटेड नहीं होता है रोवेन में जो है वो गारंटेड होता है इसका भी आंसर बन जाएगा ट्रू आई होप मैंने सारे आंसर्स आपको दे दिए है अब आप इसके बेस पे चेक करें कि आपका कौन सा आंसर इसमें से सही है और कौन सा आंसर इसमें से गलत है तो आगे बढ़ते हैं को डिस्कस करते हैं नंबर वन द कॉस्टिंग विच डिटरमाइंस कॉस्ट आफ्टर इट हैज बीन एक्चुअली इनकर्ड इज कॉल्ड एज एस्टिमेटेड कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट द कॉस्टिंग which determines cost after it has been actually incurred is called as historical cost next is interest on capital is imputed cost sunk cost direct cost or indirect cost to so, is right answer imputed cost overheads which are incurred in connection with factory are called as indirect cost कॉल्ड एज सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफिस ओवरहेड्स सेलिंग ओवरहेड्स एंड प्राइम कॉस्ट राइट आंसर आएगा फैक्ट्री ओवरहेड द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्ट जो डायरेक्टली चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट को उसको हम क्या कहते हैं ऑब्वियसली डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं रॉयल्टी पेड ऑन यूज ऑफ पेटेंट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसिस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस देखो रॉयल्टी जो है वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो राइट right आंसर बनेगा डायरेक्ट एक्सपेंस नेक्स्ट जो पॉइंट है इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो इसका राइट right आंसर बनेगा आपका कॉन्स्टेंट प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है कॉन्स्टेंट रहेगा द कॉस्ट विच इज अनफेक्टेड बाय चेंज इन दी आउटपुट्स इज कॉल्ड एस चेंज इन आउटपुट मतलब आउटपुट बढ़ने से ये कॉस्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है परफेक्ट आंसर इसने जिसने मार्क किया है फिक्स कॉस्ट नंबर एट कार्ड इज एन इंस्पेक्शन नोट अ कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक स्टोर्ड अ स्टेटमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ मटीरियल राइट आंसर है कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक स्टोर्ड नेक्स्ट इज नाइन अ स्टोर लेजर इज एविडेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ मटीरियल

सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी इज अ फैक्ट्री ओवरहेड ऑफिस ओवरहेड सेलिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स तो इट इज अ फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने जो रिविजन करवाया था उसमें भी हमने पॉइंट डिस्कस किया था इसमें आपको एक मार्क मिलना चाहिए इन रिकनसिलेशन स्टेटमेंट डेप्रीसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट इज डिडक्टेड इन फाइनेंशियल प्रॉफिट डिडक्टेड इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एडेड इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एडेड टू दसेट्स तो राइट right आंसर इसका बनेगा डिडक्टेड इन कॉस्टिंग प्रॉफिट तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग इसी तरीके से आपको टैक्सेशन का भी ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने ऑब्जेक्टिव चेक कर पाए एंड चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज ऐसे ही लास्ट मिनट रिवीजन रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर